भारत में गांव का एक तबका खेती किसानों पर ही निर्भर है। गांव देहात में तो ऐसे किसान भी है जिनकी कमाई का जरिया एकमात्र कृषि है। ऐसे में फसलों के नुकसान या फिर खराब होने से किसानों की गाड़ी मेहनत खराब हो जाती है। ऐसे किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वरदान की तरह है। इस स्कीम के तहत प्राकृतिक आपदाओं से फसल बर्बाद होने पर किसानों को मुआवजा मिलता है। आज हम बताएंगे कि किसानों के लिए योजना क्यों जरूरी है और इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। पीएम फसल बीमा के लिए लेना होगा प्रीमियम। खरीफ की फसलों के लिए प्रीमियम की दर 2% है। रबी की फसलों के लिए बीमा की दर 1.5 रखी गई है। वाणिज्यिक व बागवानी फसलों में 5% तक प्रीमियम है। क्रेडिट कार्ड या सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों का बीमा ऑटोमेटिक बैंक हो जाता है। किसान जन सेवा पर भी जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान घर बैठे PMFBY AID ऐप के माध्यम से इस अप्लाई कर सकते हैं। कौन से किसान ले सकते हैं लाभ? किसान, गैर ऋणी किसान, बटाईदार किसानों को शामिल किया गया है। बटाईदार किसान जिस जिले का रहने वाला है उस क्षेत्र में बटाई की जमीन होनी चाहिए। योजना के लिए जरूरी दस्तावेज राशन कार्ड, बैंक खाता नंबर जो आधार से लिंक हो, पहचान पत्र, किसान का एक पासपोर्ट साइज फोटो, खेत का खसरा नंबर, किसान का निवास प्रमाण पत्र, अगर खेत किराए पर लिया गया है तो खेत के मालिक के साथ इकरारनामा की फोटोकॉपी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री फसल योजना के लिए आवेदन का तरीका www.pmfby.gov.in पर जाएं। होम पेज पर किसान कॉर्नर पर क्लिक करें। अब अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और यदि आपका खाता नहीं है तो अतिथि किसान के रूप में लॉगिन करें। सभी जरूरी जानकारी जैसे नाम, पता, उम्र, राज्य, फसल खराब होने का कारण, कौन सी फसल बोई गई थी, कितने क्षेत्र में फसल बर्बाद हुई है, इन सब बातों का ब्यौरा देना होता है। साथ ही जमीन से संबंधित जानकारी भी देनी होती है। इसके अलावा बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी भी अपलोड करने के बाद सबमिट कर दीजिए। बीमा क्लेम करने के लिए कहां कहां करें आवेदन? फसल खराब होने के 72 घंटों के अंदर जानकारी देनी होगी। किसान क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से भी सूचना दे सकते हैं। बीमा कंपनियों के टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। कृषि कार्यालय पर जाकर भी मदद ले सकते हैं। संबंधित बैंक शाखा और जन सेवा केंद्र पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं। अब किसान के क्लेम करने के बाद बीमा कंपनी का कोई अधिकारी खेतों का मुआयना करने के लिए आएगा। खराब हो चुकी फसलों का आकलन कर बीमा कंपनी को रिपोर्ट सौंपेगा। ये सब कुछ पूरा होने के बाद किसान को उसका मुआवजा मिलता है।